दोस्तों नमस्कार, स्टडी स्पीड के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने क्वेश्चन एक से क्वेश्चन 11 तक डिस्कस किया था, अब हम क्वेश्चन 12 से शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है 12वां, डीएनए में होता है, तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। जो है डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजीनियस बेस का बना होता है, जिसमें प्यूराइन एवं पायरामिडिन होते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है, और प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स क्या होते हैं, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, वह पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के होते हैं। ग्लैक्टोज भी मोनोसैकेराइड हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड के अंतर्गत माल्टोज सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च ग्लाइकोज एवं सेल्युलोज काइटिन होता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर द्वारा बनाया पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। तो ऑप्शन ए होगा आपका हेपेटो और ऑप्शन बी हेपेटी पैंक्रियाटिक डक्ट और ऑप्शन सी सिस्टिक डक्ट और ऑप्शन डी हेपेटिक डक्ट। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी सिस्टिक डक्ट। लीवर द्वारा बनाया गया पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। जो लीवर में बनाया गया पित्त होता है, वह पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा क्या होता है, पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है। तो इसमें मल्टोज जो है डाइसैकेराइड है, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी स्टाडियोल, जो है इसके लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। स्टाडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होते हैं। इंसुलिन का निकर्षण अग्नाशय से होता है, यानी कि इंसुलिन जो होता है वह अग्नाशय से निकलता है। इसकी कमी से चोनिया रोग यानी कि डायबिटीज हो जाता है, जिसे चोनिया रोग या आमतौर में डायबिटीज रोग भी कहा जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केसिन, जो है यह दुग्ध प्रोटीन है। कुछ तथ्यों को देख लेते हैं इससे जुड़े। केसिन को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग उजला केसिन प्रोटीन एवं पीला कैरोटीन के कारण होता है। लैक्टोजन एक छोटी आंत से स्रावित होती है।
यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। रेनिन, दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। मतलब जिस मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, उसको दूध कभी नहीं पचेगा। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन होता है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए छोटी आंत। ऑप्शन ए छोटी आंत। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। छोटी आंत में अमीनो अम्ल यानी कि डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत में स्रावित एंजाइम रेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। अमाशय यानी कि स्टोमक, स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस निकलता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोपिसिन म्यूसिन रेनिन स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो आपका विटामिन डी जो है, उसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा सी, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर यानी यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेनिन का श्रावण करने वाला अंग यानी कि रेनिन का कौन सा अंग जो है श्रावण करता है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी आमाशय जो है आपका, आमाशय स्टोमक जो है आपका रेनिन का श्रवण करता है। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। रेनिन का सिक्रेशन स्टोमक आमाशय द्वारा होता है। किडनी ब्रिक, मनुष्य में किडनी की संख्या दो होती है, इसमें यूरिया बनता है। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग यानी कि वेस्टिजल ऑर्गन्स का समूह है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा निमेषक पटल। कृमि रूप से परिशेषिका कर्ण पेशिका कॉक्सी अस्थि जो है होता है, यह समूह होता है। मनुष्य शरीर में निष्क्रिय अंग जो है निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषिका कर्ण पेशी कॉक्सी अस्थि जो है, यह निष्क्रिय अंग समूह है। इससे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह निमेषक पहल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशी, कॉक्सी अस्थि, ये इसके समूह हैं। अवशेष अंग या निष्क्रिय अंग वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे, लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है। ऐसे अंग को जो है हम निष्क्रिय या अवशेषी अंग कहते हैं, जो हमारे किसी उपयोग में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनरुद्भवन यानी कि रिगुनरेशन मिलता है किसमें? प्लेनेरिया में। उत्तर आपका हो जाएगा डी प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? तो चमगादड़ के पंख व तितली के पंख को समवृत्ति अंग कहते हैं। कौन सा अंग कहते हैं? चमगादड़ के पंख व तितली के पंख को समवृत्ति अंग कहते हैं। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। समरूप अंग यानी कि एनालोगस ऑर्गन्स, चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख हैं। समजात अंग किसे कहते हैं? यानी कि होमोलोगस ऑर्गन, वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन के समान होते हैं। समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा। तो
तथा मनुष्य के हाथ को मौलिक रचना एक जैसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अपरदन यानी कि सॉइल इरेजन की रोकथाम संभव है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पुनः वन रोपण से जो है भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन का सिद्धांत था, तो डार्विन का सिद्धांत था जो है प्राकृतिक चयनवाद, उत्तर हो जाएगा बी प्राकृतिक चयनवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो आपकी सभी लगभग परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें आपका प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है डार्विन के द्वारा किया गया था। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन दोनों एक ही सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था, आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी सरीसृपों व पक्षियों का, सरीसृपों व पक्षियों का। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि ओजोन O3। अगला क्वेश्चन है वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे क्या होते हैं, वो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे हमेशा क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, मूल या प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे घास खाने वाले जानवर बकरी खरगोश गाय हिरण इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव तथा वातावरण में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, तो इकोलॉजी जो है जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, उसे इकोलॉजी कहते हैं यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जीव तथा वातावरण में पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक बायो टेक्टिकटर एवं अजैविक घटक यानी कि बायो अबायोटिक फैक्टर के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत संजीव जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। अबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य ताप जल वायु प्रकाश इत्यादि आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था, तो आपका एजोइक काल में जो है कोई जीवन नहीं था, आपका उत्तर हो जाएगा बी 34 है। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी, तो आपका डी ब्रिज जो है उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत की थी, उत्तर आपका हो जाएगा डी। एक माइक्रॉन होता है, आपके लगभग ये रेलवे पिछले वाले रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आपका 35 एक माइक्रॉन होता है 1/1000 मिमी, उत्तर हो जाएगा ए 1/1000। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अब अगला पार्ट फिर इसके आगे का हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।